여러분 만나서 정말 반갑습니다. 아, 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 아,
첸나이하고 아싸움을 다녀온 것 같습니다. तो कुछ साल पहले मैं चेन्नई और आसाम आया था। कु 우리 사회 보는 사역자가 아싸움에 있었던 사역자 아닌가 모르겠네요. तो हमारे जो एमसी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उनको आसाम में मिला था। आसाम में शायद वो एमसी थे।그때 그쪽에 그 노래도 부르고 그때 그랬던 친구들이 많이 있었는데. तो वहां पे बहुत ऐसे दोस्त थे जो उन्होंने वहां के गाने वगैरह भी गाए थे।그 첸나이 바닷가에서 수영에 나오고 그랬습니다. चेन्नई में हमने मतलब स्विमिंग वगैरह भी किया था।참몇년 전에 생각이 많이 납니다. 나갈랜드 사역자라면요. 살로프라니 यादें ताजा हो गई। बहुत याद आ रही है मुझे। 오늘 저녁의 말씀은 창세기 39장 말씀 보겠습니다. 39 अध्याय देखेंगे। 1절부터 누가 읽을까요? 통역 읽을까요? 제가 읽을까요? 예, 목사님, 제가 읽을게요. 네, 1절부터 12절까지만 읽어주십시오. 예, 우트파티 39, 1 से लेके 12 तक पढ़ेंगे। तब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया। तब पोतिपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपनी मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ ने के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वे अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसे वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया।예, 감사합니다. 예. 오늘 제가 이제 여러분에게 드리고 싶은 이야기는 하나님과 함께하는 자와 그다음에 하나님이 함께하지 못하는 그두 부분에 대해서 이야기를 좀 드리겠습니다. तो आज मैं आपको जिस विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ, मतलब एक तरफ वो जो परमेश्वर के साथ है और दूसरी ओर वो जो परमेश्वर के साथ नहीं है, मतलब उस बारे में आपको बताना चाहता हूँ।하나님이 함께하는 사람은 어떤 마음을 갖고 살고, 하나님이 함께하지 않는 자의 마음 안에는 어떤 마음이 있는지, 그 부분에 이야기를 드리려고 합니다. मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जिसके साथ परमेश्वर होता है उसके मन की दुनिया कैसी होती है और जिसके साथ परमेश्वर नहीं होता वो किस प्रकार के मन से रहता है।오늘 여기 39장 2절에 보면 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어라는 말이 나옵니다. तो उत्पत्ति 39 के दो वचन को जब हम देखते हैं, तो यहाँ लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया।그 보디발이라는 사람도 요셉이 하나님과 함께 하심을 보았다고 되어 있습니다.
और वचन में लिखा है कि पोतिफर भी ये चीज देख सकता था कि परमेश्वर यूसुफ के साथ है।하나님이 함께하는 사람은 어떤 사람이며, 하나님이 없는 사람은 어떤 사람인가? वो परमेश्वर जिसके साथ है वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति होता है और जिसके साथ परमेश्वर नहीं है वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति होता है।다른 말로 말하면, 마음에 약속이 있는 사람과 약속이 없는 사람에 대한 마음이 있습니다. तो जिसके मन में परमेश्वर का वादा है और जिसके मन में परमेश्वर का वादा नहीं है उन दोनों में अंतर है।또 다르게 말하면 꿈이 있는 사람과 꿈이 없는 사람에 대한 마음도 있죠. दूसरी ओर जिसके मन में एक सपना है और जिसके मन में कोई सपना नहीं है उनके मन की दुनिया अलग है। तो여러분들은 꿈이 있나요? आप लोगों के मन में क्या कोई सपना है? 예. 꿈이 없다면은 우리 마음에 어떤 결과가 일어나는지 그 부분을 약속이 없는 사람은 그 마음에 어떤 결과를 만나는지 대해서 저녁에 잠깐 이야기를 드리겠습니다. तो मतलब जिसके मन में मतलब परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं होती, परमेश्वर का दिया हुआ सपना नहीं होता, उसका मन कैसी दिशा में बहता है उस बारे में बताना चाहूंगा।저도 구원받기 전에는 꿈도 없고 소망도 없었어요. तो उद्धार पाने से पहले मेरे मन में कोई मतलब सपना नहीं था, मेरे मन में कोई आशा नहीं थी।저는 1987년도 8월 달에 구원을 받았어요. तो 1987 अगस्त में मैंने मतलब उद्धार पाया था।그 구원받기 전까지는 저에게는 아무 소망도 없었습니다. तो उधार पाने के पहले मतलब मेरे मन में कोई आशा नहीं थी।하루하루 살아가는 것이 정말 소망 없이 삶을 살아가고 있었습니다. तो एक-एक दिन मतलब मैं बिना आशा के अपना जीवन जी रहा था।그러다가 제가 23살 때 구원을 받게 됐는데요. तो उसके बाद 23 साल की उम्र में मैंने उधार पाया। 지금 한 35년 동안 예수님 안에서 시간을 보내게 되었습니다. उसके बाद मतलब 35 साल मैंने यीशु मसीह में अपना जीवन बिताया।구원을 받고도 내 마음에 어떤 때는 소망이 있을 때가 있고 소망이 없을 때가 있었습니다. 또 उद्धार पाने के बाद भी सच में मेरे मन में कभी आशा थी और कभी आशा नहीं थी।마음에 소망이 없을 때는 많은 문제가 내 눈에 보였고요. तो जो मेरे मन में आशा नहीं थी तो मतलब मुझे बहुत सी ऐसी क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स अपने अंदर दिखाई दी।근데 우리 박옥수 목사님은 하루 종일 예수님과 굉장히 밀접한 가운데서 살고 계십니다. लेकिन जब हम पासपाक के जीवन को देखते हैं तो पूरा दिन मतलब यीशु मसीह के साथ बिल्कुल जैसे घुल मिल के अपना जीवन जीते हैं।목사님은 하루 종일 집무실에서 많은 사람들을 만날 때 많은 사람들에게 소망을 주고 그들의 마음에 믿음을 주는 것을 보고 경험하게 되었습니다. 또 मतलब पासपाक जैसे अपने ऑफिस में बैठते हैं और कितने लोगों से वो एक दिन में मिलते हैं, जिससे वो मिलते हैं उनके मन में वो आशा और खुशी डालने का काम करते हैं।목사님을 만난 사람들은 목사님과 대화를 하고 돌아갈 때는 그들이 얼굴이 펴지고 마음에 무거운 짐이 내려놔지고 기뻐하고 소망스러운 마음을 갖고 가지요. 또좀 लोग पास को मिलके वापस जाते हैं तो उनका चेहरा जैसे खिल जाता है, सच में उनके मन के बोझ हल्के हो जाते हैं और वो एक धन्यवादी मन से वापस जाते हैं।근데 목사님에게는 전혀 어떤 그 세상 이야기를 하시거나 뭐 세상의 정치 이야기를 하시거나 그런 이야기를 들어본 적이 없습니다. लेकिन पास के मुंह से आप मतलब कभी भी जैसे दुनिया की बातें मतलब पॉलिटिक्स की बातें ये वो इधर उधर की बातें उनके मुंह से आप नहीं सुनेंगे।목사님은 먼 도시를 여행할 때 함께 동행하는 분들과 항상 우리 기도해 하세요 하고 그렇게 말씀하세요. 또 पास जैसे कहीं दूर सफर पे जब जाते हैं, दूर दूर देशों में जाते हैं तो जो उनके साथ ट्रैवल करने वाले लोग होते हैं तो पास कुछ ही देर के बाद उनको क्या बोलेंगे, चलो हम साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं।목사님은 우리에게도 항상 소망과 믿음의 말씀을 이렇게 전해 주시곤 하죠. और हमारे हमको भी जिसमें पास्टर हमेशा
आशा और मतलब उसमें विश्वास का वचन हम तक पहुंचाते हैं।근데 이제 저는 이제 목회자지만은 때로는 정치 이야기도 하고 세상 이야기도 하고 막 그럴 때가 있습니다. मैं भी चाहे पास्टर हूं लेकिन मैं कभी कभी जैसे पॉलिटिक्स की बातें भी कर लेता हूं, कभी कभी दुनिया की बातें भी कर लेता हूं।그 예수님과 함께한 제자들도 보면은 3년 동안 예수님을 따라다녔지만 यीशु मसीह के चेलों को भी जब हम देखते हैं, चाहे 3 साल वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चले,예수님과 함께 저편으로 건너가는 계기가 있었어요. 또 एक बार लाइक यीशु मसीह के साथ साथ उनको जब उस पार जाना था।그 건너가다가 강풍을 만나서 제자들이 거의 죽게 될 뻔했어요. तो रास्ते में मतलब आंधी तूफान आ गया और वो बिल्कुल लाइक मरने की दशा में पहुंच गए। लेकिन근데 예수님은 어디에 계셨냐면 보물에서 주무시고 계셨습니다. 보물에서. 또 이슈 मसीह कहां थे? 이슈 मसीह मतलब नाव में एक कोने में सो रहे थे।그 예수님에게 예수님 우리가 죽음을 보지 않습니까? 우리를 살려주세요. 우리를 도와주세요. 그랬어요. 이슈 मसीह को देख के वो बोलते हैं कि इशू मसीह क्या तुझे इस बात का कोई डर नहीं है कि हम मरते जा रहे हैं, हमारी मदद करो, सच में हमारी सहायता करो।그 예수님이 일어나서 바다에 잔잔하라 고요하라 말씀하시니까 바다가 조용해졌어요. 또 이슈 मसीह ने जब कहा कि शांत हो जा, थम जा, तब एकदम से आंधी तूफान थम गया।그 제자들이 뭐라고 이야기하는 저분이 누구시지? 누구시길래 바다를 잔잔케 하는고 하고 말했습니다. 또तब चेले क्या बोलने लगे? चेले बोलने लगे कि अरे ये कौन है कि मतलब आंधी और तूफान भी इसकी बातें सुनते हैं।그들이 예수님을 안다고 하지만 예수님을 모르고 있는 거예요. 또 चाहे ये लोग यीशु मसीह के साथ थे लेकिन ये लोग भी यीशु मसीह को जानते नहीं थे। तो근데 여러분 예수님을 얼마나 알고 계십니까? आप लोग यीशु मसीह को कितना जानते हैं? 여러분 예수님과 마음이 연합되어져 있느냐? 또 क्या आपका मन यीशु मसीह के साथ एक है? 예수님과 함께 동행하고 계시느냐? 아, 이슈 머스 사이 사이 चल रहे हैं? 여러분 먼지는 항상 틈 사이에 먼지가 끼어 있습니다. 또 मतलब जहां पे भी कहीं गैप होता है वहां पे हमेशा मतलब मिट्टी जम जाती है। 틈이 없으면 먼지가 생기지 않아요. जहां पे भी कोई गैप नहीं होता वहां पे कभी धूल नहीं जमती। 쉽게 말하면 머물지 틈이 있어야 먼지가 있지만 틈이 없으면 먼지가 쌓이지를 않지요. 또 जहां पे गैप है वहां पे मिट्टी जम जाएगी, धूल जम जाएगी, लेकिन जहां पे गैप नहीं होगा वहां पे कभी धूल नहीं जमेगी।우리가 예수님과 가까이 지내면 우리 마음은 어려움과 문제 속에서 헤매지 않습니다. 또 अगर हमारा मन यीशु मसीह के नजदीक होगा तो हमारा मन मतलब मुश्किलों और परेशानी में उलझेगा नहीं।우리 삶 속에 어려움이 오고 문제가 오고 낙심될 그런 일들이 우리에게 온다는 것은 तो हम क्यों अपने जीवन में मतलब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, क्यों समस्याएं हमारे पास आती हैं? तो우리 마음이 예수님과 멀리 있다는 징조죠. उसका कारण ये है कि हमारा मन यीशु मसीह से दूर है।여러분, 이 요셉에 대한 이야기를 제가 읽었는데, 아ज मैंने यूसुफ के बारे में पढ़ा। 요셉이라는 사람은 참 많은 어려움과 수난을 겪었습니다. 또 यूसुफ ने मतलब सच में अपने जीवन में बहुत से दुख और बहुत सारी परेशानी का सामना किया। 요셉이 17살에 부모님과 헤어졌습니다. 또 यूसुफ मतलब 17 साल की उम्र में अपने माँ बाप से अलग हो गया। तो형님들에 의해서 애굽으로 팔려가게 됐죠. अपने भाइयों की वजह से वो मिस्र देश में बेच दिया गया।그 전에 아버지하고 형제간들하고 같이 지냈지만 उससे पहले वो अपने भाइयों के साथ चाहे अच्छी तरह जी रहा था,형들에게 굉장히 어려움을 많이 당했습니다. लेकिन अपने भाइयों से उसने बहुत सी मतलब परेशानियों का सामना किया।근데 요셉의 아버지가 야곱인데요. 유수फ का पिता याकूब था। 그 야곱이 가장 사랑하는 여인에게서 낳은 아들이 바로 요셉입니다. 또 मतलब याकूब जिस पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करता था उसके द्वारा मतलब यूसुफ उत्पन्न हुआ था।요셉의 엄마가 누구냐면 라헬이에요, 라헬. यूसुफ की माँ कौन है? यूसुफ की माँ राहेल है।근데 이 요셉과 베냐민은 어머니를 일찍 잃었어요. लेकिन यूसुफ और राहेल बेन्यामिन ने मतलब अपनी माँ को बहुत छोटी उम्र में उन्हें खो दिया था।다른 형제간들은 엄마가 다 있는데, 또 बाकी सारे भाइयों की लाइक माँ है, उनके पास माँ है।
요셉과 베냐민만 엄마가 없는 거예요. केवल यूसुफ और बिन्यामिन के पास जैसे माँ नहीं थी।그러다 보니까 요셉은 굉장히 하나님과 가까운 관계를 갖고 있었어요. तो इस वजह से मतलब यूसुफ मन असल में परमेश्वर के बहुत नजदीक था।그것이 이제 요셉에게 야곱이 채색 옷을 지어줬는데요. तो यूसुफ के लिए याकूब ने मतलब रंग बिरंगा अंगरखा बनाया था।어디 우리 아들 요셉이 어딨나 바로 찾을 수 있는 거예요. मतलब यूसुफ याकूब के मन में क्या था, मेरा बेटा कहाँ है, मतलब उसके रंग बिरंगे कपड़े देख के वो एकदम से ढूंढ लेता था कि उसका बेटा कहाँ पे है।요셉은 굉장히 야곱의 눈에 잘 보이는 겁니다. तो मतलब याकूब यूसुफ को बहुत ऐसे प्यार करता था।그러다 보니까 형들에게 이제 미움도 받고 따돌림도 당하고 구박도 받고 그랬죠. उस वजह से उसके भाई लोग उसे चिढ़ते थे, उसको मतलब नफरत करते थे और उसको बहुत परेशान करते थे।그런 요셉이 결국에는 형들에게서 이제 팔려서 애굽이라는 나라로 가게 됐습니다. तो फिर मतलब ऐसा ऐसा हुआ कि उसके भाइयों ने उसको बेच दिया और वो मिस्र देश पहुंच गया।누구 집에 갔느냐면은 왕의 시대장 보디발이라는 집으로 가게 됐죠. तो मतलब राजा फिरौन के अंगरक्षकों के प्रधान पोतिफर के घर में वो पहुंच गया।쉽게 말하면 그 집에 종으로 들어간 겁니다. 종으로. तो उस घर में मतलब वो बिल्कुल एक नौकर के रूप में आ गया।근데 그 요셉은 보기는 어려움을 만나고 고통을 당하고 막 구박을 받고 그렇게 하는 것처럼 보이지만 बाहरी रूप से चाहे याकूब मतलब पीड़ा को सह रहा है, कष्ट उठा रहा है, परेशानी का सामना कर रहा है,그런 요셉과 하나님은 함께 계셨고 그를 형통한 자로 만들어가고 있었습니다. लेकिन परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर सच में उसको फलवंत बना रहा था, उसको भाग्यवान पुरुष बना रहा था।형들의 눈에는 그런 것이 보이지를 않았어요. भाइयों के मतलब नजरों में ये चीज दिखाई दे रही थी।하나님과 함께 하심을 보는 사람이 있었지만 볼수 없는 사람도 있었어요. तो एक तरफ क्या कहते हैं, एक तरफ कोई मतलब देख रहा है कि हाँ परमेश्वर इसके साथ है, लेकिन दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो ये देख नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर यूसुफ के साथ है।보디발도 하나님이 요셉과 함께 하심을 분명히 알고 있었습니다. 포티펄 एग्जैक्टली जानता था कि परमेश्वर यूसुफ के साथ है।그래서 그 집에 있는 모든 가정 총무의 일을 맡게 된 거예요. 그래서 उसने अपने घर का सब कुछ जो मतलब सारा कारभार जो है वो सब इसके हाथ में सौंप दिया।그 보디발의 그 소유도 다 맡게 되었습니다. अपनी सारी संपत्ति का इसको अधिकारी बना दिया।여러분, 이게 쉬운 겁니까? 어려운 겁니까? 이렇게 한다는 거는. ऐसा करना आसान है या मुश्किल है?절대로 쉬운 건 아니에요. ये किसी भी तरीके से आसान काम नहीं है।여러분 집에 누군가가 종으로 돌아오면 여러분 그 종에게 모든 걸다 맡길 수가 있겠습니까? 또 아까 घर में मान लो कि कोई दास आता है, कोई नौकर आता है, आप उसके अपने सारे घर का सारा सामान उसके हाथों में सौंप सकते हो?부부가 살아도 아내에게 재정을 맡기지 못하고 남편이 지고 있는 사람이 있어요. 저의 पति पत्नी है, बहुत से पति ऐसे होते हैं जो अपना पैसा मतलब अपनी पत्नी के हाथ में नहीं सौंप सकते।월급을 받아서 여보 자 이거 내한달 월급인데 당신이 마음껏 써 가족을 위해서 마음껏 필요한 거써 이렇게 하는 사람도 있지만 कुछ पति होते हैं कि उन पैसा मिलता है तो मतलब ठीक है अपने पत्नी के हाथ में ले जाके दे देते हैं कि देखो मुझे इस महीने इतनी तनख्वाह मिली है, तुम इसको अपने पास रख लो।또 그렇지 못해서 아내에게 돈을 맡기지를 못하는 사람도 있어요. लेकिन कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो अपना पैसा मतलब अपनी पत्नी के हाथ में सौंप नहीं सकते।남편이 돈을 쥐고 돈을 얼마씩 주는 거예요. मतलब अपना पैसा अपने हाथ में रखते हैं, थोड़ा बहुत जितना पत्नी को चाहिए उतना दे देते हैं।저도 아내에게 돈을 못 줘요. तो मैं भी मतलब अपनी पत्नी को अपना सारा पैसा नहीं दे पाता।왜못 주느냐면 क्यों नहीं दे पाता?줄 돈이 없어서 돈을 못 줘요. 그게 मेरे पास देने के लिए है नहीं, इसलिए नहीं दे पाता।줄 돈이 많으면 내가 다 맡길 수가 있을 텐데. 또 देने के लिए बहुत कुछ हो तो मैं सब कुछ उसके हाथों में सौंप दूंगा।나갈 돈이 더 많아가지고 줄 돈이 없어요. मतलब जितना पैसा आता है खर्चा उससे कहीं ज्यादा है, इसलिए पत्नी को देने के लिए कुछ बचता बचता नहीं है।
근데 저희 아내는 나보고 여보 돈좀줘 그렇게 말을 하지 않습니다. लेकिन मेरी पत्नी मुझे आके ये नहीं बोलती कि सुनो थोड़े पैसे दे दो।필요한 데가 많다는 걸 알고 있기 때문에 उसे पता है कि मतलब बहुत बाकी चीजें भी हैं जिनके이런 लिए।때로는 참 미안할 때가 많습니다 아내에게. और बार मुझे अपने पत्नी के प्रति लाइक बहुत मतलब सॉरी फील होता है।지금 우리 집에 지금 손자가 둘이나 지금 있는데 मेरे घर में मेरे दो पोते हमारे साथ रहते हैं।그 손자를 위해서는 제가 돈을 써요. अपने पोतों के लिए मैं बहुत पैसे खर्च करता हूँ, लेकिन아내한테는 돈을 잘못 줘요. पत्नी को पैसे देने से मुझे थोड़ी हिचकिचाहट होती है।근데 우리 저 인도에 있는 형제님들은 월급을 받아와서 아내에게 다 주면서 여보자 마음껏 신발도 사고 옷도 사고 맛있는 것도 사고 해 그렇게 하는 형제들도 있지만 그렇게 못하는 꼼쟁이 형제들도 있을 거예요. तो हमारे इंडिया में जो भाई लोग हैं उनमें से कुछ तो ऐसे होंगे कि जैसी तनख्वाह मिलती होगी अपनी पति के हाथ में पकड़ा के बोलते होंगे कि सुनो तुम्हें जो खरीदना खरीदो, कपड़े खरीदो, जूते खरीदो, स्वाद चीजें खरीद के खाओ, लेकिन कुछ कंजूस होंगे जो अपनी पत्नी को ऐसे पैसे नहीं देते होंगे।아내를 못 믿어서 그런 거잖아요. क्यों? क्योंकि आप पत्नी पे पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते, इसलिए।전하는 사람은 호주머니에 돈이 들어오면 돈이 잘안 나가요. तो मेरे जैसा व्यक्ति मतलब मेरे जेब में जब एक पैसा आ जाता है तो आसानी से वो निकलता नहीं है।저는 호주머니에 돈이 들어오면 한 달이든 두 달이든 돈이 잘안 나가요. तो मतलब मैं अपनी जेब में जब हाथ डालता हूँ 1 महीना 2 महीना बीत जाता है लेकिन जेब से पैसे आसानी से निकलते नहीं है।왜 그러냐면 저는 돈을 굉장히 이렇게 아껴 쓰는 사람이거든요. तो मैं मतलब बहुत ही मतलब बचत करने वाला इंसान हूँ, बहुत मतलब कंजूसी से पैसा खर्च करता हूँ।근데 우리 집 사람에게 내가 돈을 주면 लेकिन अपनी पत्नी हाथ में मैंने पैसा दे दिया우리 집 사람은 그 돈이 지갑에 들어가면 돈이 나가려고 괴로워해 나가고 싶었어. तो मेरी पत्नी के पर्स में जब पैसे आते हैं तो वो पैसे मतलब रोने लग जाते हैं कि हमें जल्दी यहां से बाहर जाना है।나 바깥 구경 좀 하고 싶어. 좀 나가게 해다오. 그래요. पैसे रोने लग जाते हैं कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, प्लीज यहां से हमें बाहर निकालो।그래, 여보, 내가 저번에 돈 얼마 줬는데 돈 남아있어. 그래요, 내가 한 번씩. मैं कभी कभार अपनी पति से पूछता हूँ कि अरे मैंने पिछली बार तुम्हें इतने इतने पैसे दिए थे, अभी तो तुम्हारे पास पैसे होंगे, सही है? अरे아니, 없는데. 그래요. नहीं, नहीं है मेरे पास।아니, 그돈다 어째서? मेरे का जो पिछली बार दिए थे वो कहाँ गए? अरे벌써 다 썼지. इस्तेमाल कर लिए, अभी कहाँ है?그럼 내가, 야, 내 아내는 돈을 정말 너무 잘 쓴다. तो मैं कहता हूँ कि सच में मेरी पत्नी बहुत खर्चा करती है।그럼 나는 다음부터 돈 주지 말아야지. फिर मैं सोचता हूँ अगली बार इसको बिल्कुल पैसे नहीं दूंगा।내가 가지고 쥐고 있어요. मैं मतलब अपने हाथों में पकड़ के रखता हूँ।늘 그런 건 아닌데 필요할 때는 주지 마. तो हमेशा ऐसे नहीं करता, जब जरूरत होती है तो दे भी देता हूँ।오늘 여기 가정총무를 이 요셉한테 이 요셉은 애굽 사람도 아니고 히브리 소년 종인데 तो मतलब पोतिफर के नजरिए से अगर हम देखें तो ये ना तो उनके देश का लड़का है, इब्री लड़का है, और मतलब छोटा सा लड़का है और दास है।그 보디발 집에 온 종인데 그 사람에게 뭐 모든 가정총무의 일을 다 맡기고 모든 재산을 다 맡기고 다 하는 거예요. दास है लेकिन सब कुछ मतलब अपने सारे घर का कारभार, अपने सारे संपत्ति का अधिकारी इसने एकदम से उसको बना दिया।나는 이걸 보면서 야, 이 보디발이라는 사람이 보통 마인드가 아니구나. तो ये देख के मैं सच में ऐसा महसूस कर सका कि ये पोतिफर भी मतलब कोई साधारण माइंड रखने वाला व्यक्ति नहीं था।이 사람 정말 대단한 사람이다. 이 ये भी मतलब एक प्रकार से महान व्यक्ति था। सच사람이 참복 받겠구나. में ये आशीष पाने लायक व्यक्ति था।왜 복을 받느냐면, क्यों आशीष पा सकता था?하나님이 요셉과 함께 하심을 보았다는 거예요. क्योंकि उसने एक चीज साफ देखी कि परमेश्वर यहोवा मतलब यहोवा उसके संग था,그래서 모든 걸 맡겼다는 거예요. 또 इसलिए उसने अपना सब कुछ लाइक यूसुफ के हाथों में सौंप दिया।여러분, 우리 형제 자매들에게, 우리 사회자들에게 하나님이 형통하심이 보이면, तो अगर सच में हमारे भाई बहनों को हमारे एमसी하나님이 그들과 함께 하심이 보인다면, 여러분, 어떻습니까?
तो अगर परमेश्वर आपको भाग्यवान बना रहा है, फलवंत बना रहा है, अगर वो दिखाई देगा तो क्या होगा?우리 마음이 참 감사하겠지요. मतलब कितना धन्यवादी हो सकेगा? 그래서 요, 이 보디발이 딱 당부를 하나만 딱 당부를 했어요. 또 मतलब इस पोतीफर ने बस एक चीज को पीछे रख छोड़ा। 네, 이 요셉을 위하여 애굽에 있는 애굽 사람의 집에 복을 내렸습니다. मतलब यूसुफ की वजह से उसके घर को आशीष मिलने लगा।근데 이제 그 누구에게는 이렇게 간섭하지 말라고 하냐면 자기 아내에게는 간섭하지 말라고 했어요. 또 उसने मतलब क्या कहते हैं, उसने क्या चीज उससे दूर रखी उस, या मतलब इसमें तू दखल अंदाजी नहीं करेगा, वो कौन था? मतलब मेरी पत्नी को तुम, वो तुमसे लाइक एक तरफ है, उसमें तुम्हारा कोई इंटरफेयर।요셉이 그 말을 마음에 받아들였습니다. तो यूसुफ ने उस बात को लाइक एक्सेप्ट किया अपने मन में।근데 어느 날 요셉이 이제 그 가정 총무 일을 보고 있는데 तो एक बार मतलब जैसे यूसुफ उस घर का कामकाज देख रहा था,그 보디발의 아내가 요셉을 눈짓하면서 동침하기를 원했어요. 또 पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को एकदम से इशारों में कहा कि मेरे साथ सो।근데 이 요셉이라는 사람이 어떤 사람인가? लेकिन ये यूसुफ नाम का व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है?그냥 마음에 중심이 없는 사람인가? 중심이 있는 사람인가? 또 क्या ये ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में कोई केंद्र नहीं है, या फिर ये ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में केंद्र है?쉽게 말해, 이 사람 마음속에 하나님의 약속이 있고 꿈이 있는 사람인가? क्या ये ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का दिया हुआ सपना है?하나님의 약속이 있고 꿈이 있는 사람인지 없는지는 딱 보면 알 수가 있는 거예요. तो किसके मन में परमेश्वर का दिया हुआ वादा है, परमेश्वर का सपना है, ये हम एकदम से देख के पहचान सकते हैं।예, 여러분 우리 인도에 사시는 우리 형제 자매님들도 세상이 좋아 보일 때가 많지요. तो इंडिया में रहने वाले हमारे जो भाई बहन हैं, आप लोग को भी कभी कभी दुनिया बहुत अच्छी लगती होगी। क्या여러분도 세상을 즐기고 싶은 마음이 없습니까? 아पके मन में दुनिया का मजा लेने का मन है या नहीं है? 아니면 여러분들은 일찍 세상을 향하여 등을 돌렸습니까? 야, 아픈, 야, 아픈, 젤디, 세, 눈이야, 뭐, 삐, 디카디에. 등을 일찍 돌린 사람은 주님만 바라볼 것이고, 또, 조, 웹티, 이, 눈이야, 뭐, 삐, 디카, 추가해, 오, 케이블, 프로부, 키, 오, 디케, 나, 지원, 지타에. 세상을 향해 등을 돌린 사람은 예수님과 함께 늘 예수님의 마음과 늘 지낼 수밖에 없다는 겁니다. 또, 조, 이, 눈이야, 뭐, 삐, 디카, 추가해, 뭐, 로즈, 프로부, 케, 만, 케, 사, 지에, 브라, 니, 레, 섹타. 여러분 마음에 구원을 받은 사람들, 구원받은 우리 형제들 마음 안에 소망이나 약속이나 꿈이 있는 사람은 तो उद्धार पाए हुए हमारे भाई बहनों के मन में अगर परमेश्वर का दिया हुआ वादा है, परमेश्वर का दिया हुआ वचन है, एक सपना है,세상에서 밀려오는 유혹이나 세상의 말들을 어떻게 하느냐면 तो मतलब दुनिया से जो लालसाएं या जो दुनिया की बातें मतलब आप तक आती हैं, वो कैसे आती हैं?말을 그들의 어떤 것을 받아들이는 게 아니고 आप उन बातों को लाइक एक्सेप्ट नहीं करते हैं।거절한다고 돼 있어요. 거절한다. वचन कहता है कि आप उनको रिजेक्ट कर सकते हैं।여러분 8절을 보세요. 8절을 आठ को देखिए।요셉이 거절하며 자기 주인의 처에게 이르되 나의 주인이 가정 재산 소유를 간섭지 아니하고 다내 손에 위임하였으니 आठ में, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरे स्वामी ने उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है।요셉의 마음 안에는 분명한 하나님으로부터 받은 약속과 꿈이 있고 소망이 있고 이 분명한 믿음이 있으니까 वो यूजर के मन में, क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ स्पष्ट वादा, स्पष्ट विश्वास, स्पष्ट दिया हुआ सपना है,보디발의 아내의 유혹을 거절할 수 있는 힘이 일어나더라고요. 이슬리 उसके मन में ताकत है कि पोतीफर की पत्नी की दी हुई लालसा और अभिलाषा को वो अस्वीकार कर सके।근데 마음에 소망이나 꿈이나 이 약속이 없는 사람은 보디발의 아내의 말을 수용해버리는 거예요.
लेकिन जिसके मन में परमेश्वर का दिया हुआ वादा नहीं होगा, जिसके मन में परमेश्वर का दिया हुआ सपना नहीं होगा, वो पोतिफर की पत्नी जैसी बातों में आसानी से फिसल जाएगा। 수용해버리니까 결국엔 어떻게 됩니까? 그 말을 받아들이면서 고통을 당하는 걸 볼 수가 있습니다. तो वो व्यक्ति मतलब ऐसी बातों में आसानी से फिसल जाएगा और फिर उसकी वजह से बहुत पीड़ा का सामना करेगा। कुछ योसेफ은 분명히 그 보디발의 아내의 말을 거절하는 그 힘이 일어나서 거부하는 걸 볼 수가 있습니다. लेकिन पोतिफर के मन में स्पष्ट पोतिफर की यूसुफ के मन में पोतिफर की पत्नी की बात को अस्वीकार करने की स्पष्ट ताकत थी। 10절을 보면 10 को जब हम देखते हैं, 여인이 날마다 요셉에게 청하였으나 요셉이 듣지 아니하여 동침하지 아니할 뿐더러 함께 있지도 아니하니라. और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेते या उसके संग रहे। 이 여인이 날마다 요셉에게 청하였어요. 동침하자, 나하고 같이 시간을 보내자 하고 계속 청했어요. 뭐 이 여인이 मतलब रोज रोज उसको लाइक बातें करके ललचाने की कोशिश की कि मेरे साथ सो जा, मेरे साथ आ जा, मेरे साथ रह जा। 근데 요셉은 그 말을 요셉은 거절하고 듣지 않더라 이 말이에요. 근데 वचन में लिखा है कि यूसुफ ने बिल्कुल उसकी बातों को नहीं सुना, उसकी बातों को नहीं माना। 여러분들은 많이 거절하지 못하고 못하고 들어줄 때가 많았지요. आप लोग बहुत बार अपनी लाइफ में मतलब इनकार नहीं कर पाते और ऐसी बातों को सुन लेते हैं। 저도 거절하지 못하고 들어줄 때가 참 많았습니다. मेरे लाइफ में भी ऐसा बहुत था कि मैं मतलब अस्वीकार नहीं कर सका और मैंने सुन लिया। 그러고 나면은 마음에 정죄가 되고 고통스럽고 괴로울 때가 많았어요. और उसके बाद सच में मैं अपने मन में बहुत अपने आप को दोषी ठहराने लगा, दुखी होने लगा, पीड़ा महसूस करने लगा। हाँ, 내가 왜 그랬을까? तो मेरे से क्यों ऐसा हुआ? 내가 미쳤지? मैं सच में पागल हो गया कि मैंने ऐसा किया? 나 다시는 그러지 말아야지. तो दोबारा ऐसा नहीं करना है। 각오도 해보고 결심도 해보고. मैंने दृढ़ संकल्प किया, अपना मन पक्का किया। 아무 소용 없는 거예요. लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 여러분, 이 보디발 아내가 이 요셉을 보고 계속 여러 눈짓을 하고 청하는데 그게 안 넘어갈 남자가 어디 있겠어요? 보디발 की पत्नी मतलब रोज लाइक प्रतिदिन उससे बातें कर रही है, प्रतिदिन उसको मतलब फंसाने की कोशिश कर रही है, तो कौन सा आदमी होगा जो नहीं बहक जाएगा? 여러 마약에 넘어가는 사람이 있고, 또 कुछ लोग ड्रग्स में गिर जाते हैं, 술에 넘어가는 사람이 있고, शराब में गिर जाते हैं, 세상 즐거움에 도박에 넘어가는 사람들이 참 많잖아요. दुनिया के मतलब एंजॉयमेंट में, दुनिया की खुशी में मतलब कितने लोग ऐसी चीजों में गिर जाते हैं? 왜 그렇습니까? ऐसा क्यों होता है? 내가 각오가 부족해서 그래. क्या मेरे दृढ़ संकल्प में कमी थी? 내 의지가 부족해서 그래. मतलब मैंने पक्का मन नहीं किया था? 아닙니다. ऐसा नहीं है. 절대로 그런 것이 아닙니다. बिल्कुल भी ऐसा कारण नहीं है। 원래 우리는 약한 자입니다. तो हम वैसे ही बहुत मतलब कमजोर लोग हैं। 우리는 그런 것에 끌려갈 수밖에 없는 근본 인간입니다. 그런 인간. तो हम मूल रूप से ऐसे इंसान हैं जो ऐसी बातों में फंसे बिना रह सकते, ऐसी बातों में गिरे बिना नहीं रह सकते। 그러면 거기서 이길 수 있는 길은 어디에 있느냐? 또 ऐसी चीजों से जीत सकने की ऐसी चीजों से जीत सकने की ताकत कहाँ? 여러분, 우리가 구원을 받았잖아요. 우리 उद्धार पाया है। 구원을 받으면 여러분 이 세상을 이길 수 있는 힘이 일어나잖아요. तो अगर आपने उद्धार पाया है तो आपके पास दुनिया पे जीत प्राप्त करने की ताकत है। 왜 그렇습니까? क्यों ऐसा है? 여러분, 방주를 노아가 방주를 만들었습니다. तो नूह ने मतलब जहाज बनाया। 잣나무로 방주를 만들었는데 तो उसने मतलब क्या कहते हैं गोफर की लकड़ी से जहाज को बनाया। 그 방주를 잣나무로 만들고 난 뒤에 방주 안팎으로 역청을 발랐어요. 우스네 바로 लकड़ी से जहाज को बना के उसके अंदर और बाहर राल लगाई। 이스라엘 백성들이 애굽에서 나오기 전에 마지막 날 밤
뭇 임방과 설주에다가 양과 염소의 피를 발랐습니다. इजरायली लोग जब मिस्र से बाहर निकलने वाले थे तो उस उन्होंने दरवाजों और उसकी अलंगों पे सच में लहू लगाया था. 그 피와 문 임방과 설주에 피가 발린 그 집에는 절대로 죽음의 사자가 들어갈 수가 없었어요. जहां मतलब वो लहू लगा हुआ था वहां पे जो मौत का फरिश्ता है वो अंदर नहीं जा सका. 노아 방주 방 노아가 머물고 있는 방주 안에는 절대로 물이 들어갈 수가 없었어요. मतलब उस जहाज के अंदर भी जो नूह ने जहाज बनाया पानी उसके अंदर नहीं जा सका. 옆창을 밖에만 바른 게 아니고 안에서 발랐단 말이에요. 우즈네 라알 को ना केवल बाहर लगाया था अंदर भी लगाया था. 밖에는 발랐는데 안에 안 바르면 얼마나 불안하겠어요. 어, अगर बाहर लगाएंगे अंदर नहीं लगाएंगे तो कितना उनको बेचैनी महसूस होगी. 하나님은 방주 안에 방주를 잔나무로 짓고 역청으로 안팎에 칠하라. 또 본인은 कहा कि तुम मतलब लकड़ी का जहाज बनाओ और उसके अंदर और बाहर राल लगाओ. 역청은 예수 그리스도의 보혈을 의미하지 않습니까? 이 라알 है वो यीशु मसीह के लहू को दर्शाती है. 문 임방과 설주에 발린 피는 예수님의 보혈을 의미하지 않습니까? चौखट और क्या कहते हैं अलंगों पे जो मेमने का लहू लगाया गया वो भी यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है. 방주 안에 있으면 노아가 물의 홍수를 어떻게 피할까 걱정할 필요가 없어요. 어, 말하자면 누구 चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कैसे मैं मतलब बाढ़ से बचूंगा. 역청이 발려져 있기 때문에 절대로 물이 들어오지 않는다 말이에요. 그러니까 लकड़ी के ऊपर राल लगाई हुई है इसलिए पानी अंदर नहीं आ सकता. 문 임방과 설주에 피가 발린 그 집에는 노력을 안 해도 죽음의 사자가 안 돌아요. तो जिस दरवाजे की चौखट पे अलंगों पे लहू लगा हुआ है तो वो कुछ उनको कोशिश करने की जरूरत नहीं है मौत का फरिश्ता उनके घर नहीं आएगा. 피가 발린 그 집에는 불안할 필요 불안할 마음도 없고 마음이 감사하고 복된 마음을 갖고 사는 거예요. तो जिस दरवाजे की चौखट पे लहू लगा है सच में उनको असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं है उनको दुखी महसूस करने की जरूरत नहीं है वो धन्यवादी मन के साथ जी सकते हैं. 피를 바르지 않는 그 집안은 어떤 것을 해도 불안한 겁니다. 근데 जिस चौखट पे लहू नहीं लगाया है वो कुछ भी कर ले उनको बहुत बेचैनी महसूस होगी. 착하든 선하든 올바르든 어떠하든지 간에 피가 발리지 않는 그 집안에는 죽음의 사자가 들어갈 수밖에 없다는 거. तो मतलब क्या कहते हैं चाहे अंदर कुछ भी हो क्या भी हो लेकिन अगर लहू लगा हुआ है तो मौत का फरिश्ता अंदर नहीं जा सकता. 여러분이 여러분의 인생을 지키는 게 아니고 आप मतलब अपने जीवन की सुरक्षा खुद नहीं कर सकते. 여러분이 여러분의 인생을 바꾸는 게 아닙니다. आप अपने जीवन को खुद से बदल नहीं सकते. 예수 그리스도의 보혈이 여러분의 인생을 바꾸고 지킨다는 거죠. तो यीशु मसीह का लहू आपके जीवन की रक्षा करता है उसको बदलने का काम करता है. 여러분들은 예수님을 믿고 있기 때문에 क्योंकि आप लोग यीशु पे विश्वास करते हैं. 참새보다 귀하고 대단한 사람들이에요. 근데 आप गौरैयों से ज्यादा कीमती मतलब महान लोग हैं. 마태복음 25장에 그런 말씀을 했지 않습니까? 25 में क्या प्रभु ने ये वचन नहीं कहा है? 여러분은 두려워하지 말라 너희는 참새보다 귀하다 그랬단 말이에요. 왓천 कहता है कि मत डरो तुम गौरैयों से ज्यादा लाइक कीमती हो. 구원받은 사람은 여러분 대단한 사람이고 하나님 앞에 귀한 사람이라고. उद्धार पाए हुए आप लोग जो महान लोगों को परमेश्वर के सामने आप बहुत लाइक बड़े लोग हो. 절대로 예수 그리스도의 보혈의 피가 있는 그 사람에게는 뚫고 들어갈 수가 없다는 거죠. जिस व्यक्ति के पास लाइक यीशु मसीह का लहू है सच में वो मतलब श्राप उस लहू को पार करके वहां तक नहीं जा सकता. 근데 어떤 사람에게 뚫고 들어갑니까? 이 कैसे व्यक्ति के पास वो जा सकता है? 말씀을 믿지 않는 사람. 뭐 वचन पे विश्वास नहीं करता. 약속이 없는 사람. जिसके पास वादा नहीं है. 그 마음에 소망이나 꿈이 없는 사람. 그 में आशा नहीं है जिसके मन में सपना नहीं है. 그들의 마음 안에는 그런 세상의 더러운 것이 더럽고 추하고 음란하고 가증된 것들이 그 마음을 뚫고 들어갈 수밖에 없다는 거예요. 에세 लोगों के लिए सच में दुनिया की जो चीजें हैं सच में वो बुरी चीजें उनके मन में अंतर जाए बिना नहीं रह सकती.
근데 요셉은 보디발의 아내의 말을 거절하고 듣지 않더란 거예요. लेकिन पोतिफर की पत्नी की बात को यूसुफ ने इनकार किया, यूसुफ ने उसको अस्वीकार किया।하나님이 요셉에게 37장의 그 꿈을 약속을 주셨어요. क्यों? क्योंकि उत्पत्ति 37 में परमेश्वर ने यूसुफ को स्पष्ट सपना दिया है, स्पष्ट वादा दिया है।형들은 요셉이 어떤 사람이 될 것을 벌써 알아버렸습니다. 또 भाइयों को पता चल गया कि आगे चल के यूसुफ क्या बनने वाला है।네가 우리의 왕이 되겠느냐? 또 वो क्या बोलते हैं यूसुफ को, क्या तू हमारे ऊपर राज करेगा,네가 참으로 우리를 다스리겠느냐? क्या तू हमारे ऊपर राज करेगा।그걸 형들은 알고 있었습니다. तो ये चीज ये भाई लोग जानते थे।하나님은 요셉에게 꿈으로 요셉의 인생을 약속하셨고 보여주셨다는 거예요. 또 परमेश्वर ने वादे के द्वारा यूसुफ के जीवन को सच में दिखाया था, उसको वादा दिया था।만약 요셉이 그 꿈을 마음에서 잃어버렸다면, अगर यूसुफ ने उस सपने को अपने मन से खो दिया होता,요셉은 창세기 40장의 역사를 바꿀 수가 없었을 거라는 겁니다. 또 यूसुफ मतलब उत्पत्ति 40 का जो कार्य है उसको बदल नहीं सकता था। 40장에 누구를 만났습니까? 또 40 में वो किसको मिलता है? 술 맡은 간원장과 떡 굽는 간원장의 꿈을 해석해 주게 되었지요. 또 उसने मतलब पकाने हारे और पिलाने हारे के सपने के अर्थ को बताया। 그때 술 맡은 간원장의 꿈을 해석해 주면서 그가 다시 그 감옥에서 나오게 되는 역사가 일어납니다. 또 पिलाने हारे के सपने के अर्थ को बताने के बाद सच में उसके जीवन में मतलब हम देख सकते हैं कि उसको जेल से बाहर निकाला गया। आज나는 오늘 저녁에 여러분에게 무슨 이야기를 했느냐면, रात को मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? 예수님은 여러분과 함께하고 있습니다. 예수 मसीह आपके साथ है। 예수님은 여러분 곁을 한 번도 떠난 적도 없고요. 예수 मसीह कभी आपसे दूर नहीं है। 예수님은 여러분이 잘났든 못났든 한 번도 여러분에게 해할 사슬도 없고 여러분의 허물을 보지 않는다고 그랬습니다. 예수 मसीह 아, 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 아,
보지 않는다 그랬습니다. परमेश्वर ने वादा किया है कि वह हमारे पापों को हमारे अधर्म के काम को स्मरण नहीं करता हमारे हमारे अंदर दोष को यीशु कृतो를 보시고 여러분을 받으셨다는 तो यीशु मसीह को देखते हुए परमेश्वर ने हमको स्वीकार किया है 하나님은 우리를 보실 때 형통한 자라고 말씀합니다. तो परमेश्वर जब हमें देखता है तो परमेश्वर हमें एक फलवंत व्यक्ति के रूप में देखता है 하나님이 보실 때 तो परमेश्वर की नजरों में ऐसा है 근데 우리가 볼 때는 형통한 자가 아니에요 보니까 लेकिन हमारी खुद की नजरों में हम मतलब फलवंत नहीं रखते खुद को उरीनों 뭐 문제가 있는 것 같고 어려움이 있는 것 같고 잘 못하는 것 같고 막 그런 것이 연약함이 참 많이 보여요. 우리 안에 अंदर बहुत सी कमियां घटियां दिखाई देती हैं कमजोरियां दिखाई देती हैं गलतियां दिखाई देती हैं 여러분은 하나님과 마음이 합한 자가 되어졌고 लेकिन आप परमेश्वर के साथ एक मन हो चुके हैं 그 하나님과 생각과 뜻이 하나가 된 자들이란 말이에요. 또 아, 하나님의 이치와 하나님의 마음과 함께 하고 있는. 여러분 그걸 잊지 마십시오. 아무 짓도 불아이가 못. 여러분 좀 어렵습니까? 여러분 무시킬매해. 예, 어렵다고 그 어려움 속에 절망하지 마십시오. 또 아무 무시킬매해, 그래서 아무 낙심을 못 기리게. 여러분 어느 나라든지 간에 구원받은 백성을 향하여는 하나님이 절대로 내버려두지 않는다는 겁니다. 그 भी देश क्यों ना हो परमेश्वर अपने उद्धार पाए हुए प्रजा को ऐसे नहीं छोड़ सकता 여러분이 어디로 가든지 आप कहीं पे भी जाएं 무엇을 하든지 आप जो भी करें 여러분에게 은혜 베푸시기를 원하고 긍휼을 베푸시기를 원하고 당신의 복을 주기를 원하는 게 하나님이십니다 तो परमेश्वर आपको दया देना चाहता है सच में आपके ऊपर करुणा करना चाहता है वो आपको आशीष देना चाहता है 우리는 정말 축복받은 사람이에요. 또 함 아시시 로그해. 하나님 우리에게 약속의 말씀을 주셨고. 우리에게 함에 와대가 वचन दिया है. 우리의 소망의 말씀과 꿈을 주셨습니다. और हमें आशा का वचन सपना दिया है. 여러분 꿈이 있는 사람, 약속이 있는 사람은
जिसके पास सपना होता है, जिसके पास वादा होता है,여러분 마음은 절대로 허랑방탕한 육신의 길로 들어갈 수가 없다는 것. 아빠 मन कभी भी मतलब शारीरिक मार्ग पे नहीं जा सकता. 내 마음 안에는 예수님이 여러분의 삶을 지켜주고 보살펴 준다는 것. 또 ईश्वर से आपके मन की रक्षा करता है और आपकी देखरेख करता है. 여러분 마음껏 이 복음 앞에 여러분 살아가시면 अगर आप जी भर के इस सुसमाचार के लिए अपना जीवन जिएंगे,여러분은 참새보다 귀하다 그랬는데, वचन कहता है कि आप दो गोरे हैं उससे कहीं ज्यादा कीमती हैं.여러분은 꿈을 꾸세요. 아, 그럼 सपना देखिए. 여러분, 내가 어떤 사람이 될 것인지, ऐसा मत सोचिए कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, क्या ऐसा हो내가 पाएगा.어떤 तो삶을 살아갈 것인지 앞으로, आगे को आप कैसा जीवन जिएंगे?그냥 막연하게 이런 살지 말고, आप लोग ऐसे ही मतलब वेगली अपना जीवन मत जिए.여러분, 내일 1년, 2년 뒤에, 10년 뒤에, 20년 뒤에 내가 어떻게 살아갈 것인지 여러분 계획을 하고 꿈을 꾸시길 바랍니다. 또 कल 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आप अपना जीवन कैसे जिएंगे? आप योजना बनाइए और मतलब सपना देखिए.여러분, 말만 내가 세계 최고라고 말하지 말고, तो केवल अपने मुंह से मत बोलिए कि मैं दुनिया में बेस्ट हूं.그 하나님의 약속이 여러분 마음을 붙잡고 있다는 तो परमेश्वर का वचन आपके मन को पकड़ सके, उस그 약속을 바라보시고 वादे की ओर देखिए.여러분 삶을 살아가실 때 और जब आप अपना जीवन इस प्रकार से जिएंगे,인도에 있는 여러분들을 하나님이 정말 복되게 이끌어 가실 겁니다. 또 इंडिया के आप भाई बहनों को परमेश्वर बहुत आशीषित रूप से अगुवाई करेंगे.여러분이 받은 구원, 내가 받은 구원, जो उद्धार आपने पाया है या जो उद्धार मैंने पाया है,똑같은 구원입니다. एक समान उद्धार है. 예, 한국에 역사하신 하나님은 인도에서도 역사하십니다. 또 परमेश्वर जो कोरिया में काम करता है वो इंडिया में भी काम करेगा. 그걸 정말 여러분들이 믿으셔야 됩니다. तो आपको इस बात पे विश्वास रखना है. 요셉은 마음에 약속이 있고 꿈이 있었습니다. 또 यूसुफ के मन में परमेश्वर का दिया हुआ वादा था, उसके मन में एक सपना था. 그래서 보디발의 아내의 말을 거절하고 듣지 않는 그 마음의 마인드를 갖고 있더라는 겁니다. 그래서 वो पोतीफर की मतलब पत्नी की बातों को रिजेक्ट कर सका, उसको अस्वीकार करने का मन रख सका.예, 한국의 월드캠프를 이제 한 주간 후에 시작을 합니다. 1 हफ्ते के बाद कोरिया में वर्ल्ड कैंप है. 예, 한국의 월드캠프에 여러분들 많이 오시기 바랍니다. मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत लोग कोरिया आएंगे.예, 지금 한창 한국은 월드캠프 준비로 컬처, 문화 컬처나 캠프 준비로 많이 지금 바쁩니다. अभी कोरिया चर्च बहुत बिजी है, वर्ल्ड कैंप की तैयारी और कल्चर की तैयारी चल रही है.예, 그래서 지금 세계에 많은 손님들이 오는 부분에 지금 준비를 하고 있습니다. 또 विदेश से बहुत गेस्ट आने वाले हैं हमारे यहाँ, इसलिए हम लोग तैयारी में लगे हैं. 여러분, 주인의 그 즐거움에 참여할 수 있는 복을 입은 것에 대해서 감사한 마음이 있습니다. मालिक के खुशी में हम लोग शामिल हो पा रहे हैं, इस वजह से हमारे मन में धन्यवादी मन है.예, 여러분들을 하나님의 주인의 즐거움에 참여시켜 주셔서 하나님이 여러분을 복되게 하고 계신다는 것 잊지 마십시오. लोग मत भूलिए कि परमेश्वर ने आपको भी मालिक की खुशी में शामिल किया है और आशीषित किया है. 예, 한국 시간은 지금 밤 11시 반을 향하고 있습니다. 코리아 में रात के 11:30 बजने वाले हैं. 눈이 감기려 그래서 마쳐야 되겠습니다. मेरी आंखें बंद हो रही हैं, इसलिए मुझे खत्म करना पड़ेगा. 내가 저번 주에 파라과이 나라를 갔다 왔기 때문에 पिछले हफ्ते मैं पैराग्वे देश गया था, मैं वहां से वापस आया हूँ.아직 시차가 아직 다안 끝나가지고 막 졸려요. अभी भी मतलब वहां के टाइम का डिफरेंस से मैं अभी तक बाहर नहीं निकल पाया हूँ, इसलिए अभी बहुत नींद आती है.하루 종일 오늘 지금 밤을 지금 지새웠는데 तो मतलब मैं पूरी जैसे रात जागा हूँ वहां के टाइम के हिसाब से.완전 한국하고 파라과이 나라는 정반대입니다. कोरिया और पैराग्वे लाइक बिल्कुल ऑपोजिट हैं.예, 그래서 인도하고는 몇 시간 차이 안 나는데 इंडिया कोरिया में इतने ज्यादा घंटे का अंतर नहीं है. 지금
11시 반에 말씀 전하는 사람 아무도 없을 거예요, 지금. 한국 시간. 근데 फिर भी कोई मतलब रात के 11:30 बजे प्रचार नहीं करता यहां पे भी. 인도는 지금 9시 반 돼 가고 있죠. 인도에 में अभी कितना टाइम हो रहा है? 8시 돼 가고 있어요. 8시 돼 가고 있죠. 예. 그래서 눈이 지금 눈이 뻑뻑해 가지고 지금 제가 잠을 자야 되기 때문에 오늘 여기까지 하고 내일 또 만나도록 하겠습니다. 이 아케 बंद हो रही है इसलिए मैं अभी खत्म करता हूं. कल को फिर मिलेंगे. 예. 하나님이 여러분과 함께 하시고 여러분을 사랑하십니다. परमेश्वर आपके साथ है. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. 오늘 여기까지 말씀 전하겠습니다. 여기 तक हम मतलब वचन बांटेंगे. 기도하겠습니다. 어떻게 하겠니? 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께 धन्यवाद देते हैं. 예, 인도 델리 이 지역에 하나님의 연합 예배로 함께 할 수 있어서 감사합니다. 그리고 인도 인디아 델리의 유나이티드 미팅에 매 साथ भाग ले सका आपको धन्यवाद देता हूं. 당신의 사랑하는 종은 19살에 구원을 받고 그 마음에 꿈이 있고 약속이 있었습니다. 그리고 아께 세वकने सच में 19 साल की उम्र में उद्धार पाया. उसके मन में आपका बहुमूल्य वादा था. आपका दिया हुआ सपना था. 종의 마음 안에 있는 그 복음으로 모든 이들에게 기쁨과 감사를 주는 것을 봤습니다. 그리고 परमेश्वर के सेवक को दिए हुए मन के अनुसार सच में हम सब भी आशीष पा सके उद्धार पा सके. 인도에 있는 우리 형제자매들에게도 구원을 허락해 주셔서 감사하고요. 그리고 इंडिया में अपने भाई बहनों को उद्धार दिया आपको धन्यवाद देते हैं. 우리 인도 형제자매들이 복된 가운데 신앙을 하고 주의 은혜를 볼 수 있도록 도와주시기를 바랍니다. 우리 아시시트 아트믹 जीवन जी सके प्रभु और आपसे अनुग्रह पा सके. 오늘 저녁에 또 함께 할 수 있어서 감사를 드리고요. 아ज हम सब साथ इकट्ठा हो सके आपको धन्यवाद देते हैं. 내일까지 되어지는 성경 세미나 주님 축복해 주시기를 바랍니다. 그리고 हमारा बाइबल सेमिनार कल तक चलेगा. इस सेमिनार के लिए आप अपना आशीष दे दीजिए. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 예수님의 이름으로 प्रार्थना करते हैं. 감사합니다. 감사합니다.